तेरा इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊं मैं। छाया है यूं तेरा सुरूर, जिस रंग कहे रंग जाऊं मैं। तो चलो रंगते हैं SB स्टूडियो के रंग में। सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वंडरफुल टॉपिक, एंड द टॉपिक अबाउट इज योर ट्रेनिंग। MP पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्या क्या होता है MP पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग में, और सुबह से लेकर शाम तक की ट्रेनिंग की पूरी समय सारणी, कितने घंटे का आराम आपको ट्रेनिंग में मिल पाएगा, ट्रेनिंग में फेल हो गए तो क्या होगा, कितने महीने चलेगी आपकी ट्रेनिंग, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है हम इस PDF के माध्यम से आज बात करने वाले हैं। अगर ये PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि SB स्टूडियो के नाम से है। SB स्टूडियो के नाम से जो है, अभी मैंने इसके बारे में पोल भी डाला था, तो 81% लोग जो हैं इस वीडियो को चाहते हैं। केवल 84% लोग जो है इस वीडियो को चाहते हैं कि ट्रेनिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाए। SB स्टूडियो के नाम से मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जहां पर लगभग 1033 मेंबर ऑलरेडी एडेड हैं। ये मेरी फोटो लगी हुई है, आप सर्च करके जो है SB स्टूडियो के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहां पे आपको सारी लेटेस्ट PDF जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। साथ ही ये कंटेंट अच्छा लगता है तो एक काम और कर लीजिएगा कि इसको और दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हम फोन को कर देते हैं फ्लाइट मोड में, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये जो फोटो है ये मेरी ही है, ये मैं ही हूँ ट्रेनिंग के उन दिनों में जब मैं जंगल कैंप में था। तो ओमकारेश्वर समवेयर इन अर्थ, मतलब कहते हैं ना ओमकारेश्वर के आसपास कहीं पर भी मैं था जहाँ पर हमारा जंगल कैंप चल रहा था। तो मैंने जब सोचा कि ट्रेनिंग के बारे में वीडियो है तो क्यों ना एक ट्रेनिंग के दिनों की फ़ोटो को रखा जाए। मैं जो है वहाँ पर सेक्शन कमांडर था, मुझे जो है मैन पैक सेट मिला हुआ था जो कि मैंने कंधे में लगा रखा था। मेरे प्लाटून में जो है 20 लोग थे, जिनका मैं सेक्शन, मेरे सेक्शन में जो था 20 लोग थे और उसका सेक्शन कमांडर मुझे बनाया गया था। उस प्लाटून, उस सेक्शन की जो है देख रेख करना, सभी सिपाही उसके सुरक्षित हैं या नहीं, सभी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं या नहीं, सभी के हथियार एमुनेशन सब सलामत हैं कि नहीं, ये सब कुछ देखना होता है। जब आप जंगल कैंप में जाएंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है जान जाएंगे। तो सेक्शन कमांडर बनना अपने आप में एक प्राउड की बात होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो की शुरुआत में हम ये देखेंगे कि क्या क्या होता है MP पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग में। तो अभी एक ट्रेनिंग के बारे में तो वैसे बहुत सारा कंटेंट होता है बनाने के लिए, लेकिन अभी हम एट अ ग्लांस में बात कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य टॉपिक होते हैं जो 9-10 महीने की आपकी ट्रेनिंग चलती है तो उसमें चलता क्या है। तो पहला इसमें है इंडोर ट्रेनिंग। इंडोर ट्रेनिंग में आपसे 8-9 सब्जेक्ट होते हैं, 8-9 सब्जेक्ट की बाकायदा क्लास चलती है, बाकायदा एग्ज़ाम होता है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, दो सेमेस्टर में ये 9 सब्जेक्ट जो है आपके कवर अप किए जाते हैं, और आपके जो है 9 से 11 सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम दे के पास करना होता है। तो ये होता है आपकी इंडोर ट्रेनिंग, जिसमें कानून की सिखलाई दी जाती है और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखलाई दी जाती है। सारी चीज़ें जो हैं उसमें इंक्लूडेड होती हैं जो कि पुलिस की जीवन रेखा में और पुलिस की नौकरी के दौरान जो है, पुलिस की सेवा के दौरान जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सब कुछ सिखलाई दी जाती है इंडोर ट्रेनिंग में। किताबी ज्ञान जो होता है वो इंडोर ट्रेनिंग में दिया जाता है। अब आउटडोर ट्रेनिंग की हम बात कर लें तो आउटडोर ट्रेनिंग में आपको ग्राउंड वर्क जो भी है सब कुछ सिखाया जाता है। आउटडोर ट्रेनिंग में जैसे आपको PT, परेड, ड्रिल और रनिंग और जंप और बहुत सारी रस्सा चढ़ना, क्लाइंबिंग, और जो आपका बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूड हो जाती हैं आउटडोर ट्रेनिंग में। जो आपका ग्राउंड वर्क है जो पूरा है वो आउटडोर ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है। परेड ट्रेनिंग जो होती है, जो आपको परेड सिखलाई होती है, जो आपने 26 जनवरी, 15 अगस्त को पुलिस को जो परेड करते देखा होगा वो ही आपकी परेड होती है, और उसकी सिखलाई जो है आपको बेसिक सिखलाई जो है वो ट्रेनिंग में दी जाती है। PT जो होती है, फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है, PT अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज को मिक्सड अप करके जो है PT आपको कराई जाती है। ड्राइविंग की सिखलाई दी जाती है, स्विमिंग मतलब आपको तैरने की सिखलाई दी जाती है, क्लाइंबिंग की सिखलाई दी जाती है, रस्सा चढ़ना या दीवार चढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है सिखाई जाती हैं, ठीक है। कैमोफ्लाइज स्किल, मतलब छुपने की जो तकनीक होती है जंगल में, जब आप कहीं किसी एम्बुश लगा के बैठ रहे हों तो पत्तों में कैसे छुपना है, या छुपने की जो कला सिखाई जाती है उसे हम कैमोफ्लाइज स्किल्स कहते हैं, वो आपको सिखलाई जाती है पुलिस ट्रेनिंग में। जंगल कैंप होता है, जंगल कैंप में जंगल में सर्वाइव करना, खुद खाना बना के खाना, जंगल में छुपना, सारी चीज़ें जो है सिखलाई जाती हैं जंगल कैंप में।
तो जंगल कैंप के बाद हम बात करते हैं वेपन टैक्टिक्स की। जो भी ज़रूरी वेपन्स होते हैं जो पुलिस की सिखलाई में ज़रूरी होते हैं, उनको चलाना जानना और उनका मेंटेनेंस करना, उनकी सिखलाई जो है दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सुबह से लेकर शाम तक पूरी ट्रेनिंग के दौरान जो है क्या होता है 24 घंटे का वो शेड्यूल, कि बहुत से बच्चों के मन में जिज्ञासाएँ रहती हैं कि क्या क्या होता है पूरे दिन में। तो हम एक बार पूरे टाइम की बात कर लेते हैं। पूरा PDF जो है हमने बना लिया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को शेयर लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इस सब को बनाने में मेहनत लगती है, टाइप करने में मेहनत लगती है, PDF तैयार करने में मेहनत लगती है और आप तक पहुंचाने में भी मेहनत लगती है। क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ तो जो है उसमें भी ऊर्जा लग रही है ना, तो एक प्रकार से जो है आप तक कंटेंट पहुंचाने में मेहनत लगती है, तो मेहनत का प्रतिफल मिलना ज़रूरी है। तो सुबह से लेकर शाम तक की पूरी समय सारणी इस प्रकार है कि उठने का समय होता है कोई 5, ये क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में 19-20 का फ़र्क हो सकता है। बिल्कुल फिक्स मत मानिएगा कि हर जगह एक सा चल रहा है, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर पे थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है। उठने का समय 5 से 5:30 बजे का रहता है। फिर फॉल इन टाइम होता है 5:45 AM का। फॉल इन टाइम का मतलब होता है, फॉल इन होना का मतलब होता है एक जो परेड लाइन होती है उसमें आकर खड़े हो जाना जो है वो फॉल इन कहलाता है। जब सभी बच्चे परेड लाइन जो होती है, परेड लाइन में आकर खड़े होने को हम कहते हैं फॉल इन होना। परेड सिक रिपोर्ट एंड ब्रीफिंग, मतलब कोई बीमार तो नहीं है, और ब्रीफिंग करना कि आज क्या होगा दिन भर, वो सारी चीज़ें जो है 6 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। फिर 6:10 से 6:40 के बीच में आपकी हेल्थ रन होती है, जिसमें आपको शुरू में जो है दौड़ना पड़ता है। पहले स्लो रनिंग हम करते हैं, फिर थोड़ा फास्ट रनिंग करते हैं, तो 30 मिनट की कुल ये एक्सरसाइज होती है। रनिंग उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। योगा एंड एक्सरसाइज की हम बात करें तो 6:40 AM to 7:10 AM तक चलता है, जिसमें आपको वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज कराई जाएगी, योगा जो है एक्सरसाइज कराया जाएगा। तो 6:40 से 7:10 AM तक ये काम चलता है। फिर 7:10 से 7:25 के बीच में थोड़ा सा रेस्ट होता है। फिर आपकी परेड होती है, परेड में आपको वर्दी लगा कर आना होता है। वर्दी में जो है आपकी परेड ड्रिल होती है, जिसमें आपको तीन के कॉलम में जो है कदम ताल मिलाकर चलना सिखाया जाता है, वेपन के साथ, कैन के साथ। कैन मतलब जो पुलिस की डंडा होता है या लाठी होती है, उसको हम कैन कहते हैं। कैन के साथ परेड जो होती है, उसके साथ आपका वेपन के साथ जो परेड होती है, वो सब कुछ जो है सिखाया जाता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट टाइम जो होता है आपका, सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का जो है आपका ब्रेकफास्ट टाइम होता है। ब्रेकफास्ट टाइम के बाद हम बात कर लेते हैं, अगर अब आपको टाइम मिलता है आधे घंटे का, 45 मिनट का लगभग टाइम मिलता है, जिसमें आप नहा सकते हैं, तो उसको मैंने बाथ एंड रेस्ट टाइम लिखा है। बहुत सारे आलसी लड़के होते हैं जो नहाते नहीं हैं, तो वो पूरे टाइम में रेस्ट कर लेते हैं, और जो नहाना पसंद करते हैं तो इस टाइम में नहा लेते हैं। तो बाथ एंड रेस्ट टाइम होता है 8:30 to 9:15 AM। फिर उसके बाद आपकी 9:30 बजे से इंडोर क्लास चालू हो जाती है, जहाँ पर अलग अलग लेक्चरर आते हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से ही होते हैं, और वहाँ पे आपको पढ़ाते हैं विभिन्न सब्जेक्ट जो आपके सेमेस्टर में होते हैं। ठीक है, तो 9:30 AM to 12:40 PM तक जो है आपकी 3 से 3:30 घंटे जो है आपकी क्लास चलती है। उसके बाद लंच एंड ब्रेक जो है आपका 12:45 से 2:40 PM तक का होता है। इसमें आपको खाना खाने के बाद 1 घंटे का आराम भी मिल जाएगा। उस 1 घंटे के आराम करने के बाद फिर आपको फॉल इन होना पड़ता है, परेड लाइन पे खड़ा होना पड़ता है 2:45 पे 2:45 मिनट पे। फिर आपकी परेड सिलेट एंड ब्रीफिंग होती है, फिर आपको बताया जाएगा कि क्या होना है 3 PM पर। फिर उसके बाद वेपन क्लास भी हो सकती है, ड्रिल भी हो सकती है, और वेपन हैंडलिंग भी सिखाया जा सकता है। और ये चलता है 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच के जो 2 घंटे का पीरियड होता है, उसके दौरान ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड जिम 5 बजे से 6 बजे तक के बीच का टाइम होता है। अगर आपके ट्रेनिंग सेंटर में जिम है तो आप जिम कर सकते हैं, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होती हैं वो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रेक होता है 6 to 7 PM। आप फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं शाम को फिर से। फिर उसके बाद आपका नाइट रोल कॉल होता है, जिसे हम NRC के नाम से जानते हैं। 7 PM पे NRC बुलाया जाता है। फिर उसके बाद सबकी गणना ली जाती है, सबको चेक किया जाता है। फिर उसके बाद जो है डिनर टाइम होता है 7:30 to 8:30 PM। फिर उसके बाद स्टडी टाइम होता है 8:30 PM to 11 PM। फिर उसके बाद स्लीपिंग टाइम होता है 11 PM to 5:15 AM। ठीक है, तो ये हो गया दिन भर का शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका
क्या हम डिस्कस करेंगे कि कितने समय तक एमपी पुलिस की ट्रेनिंग चलेगी। तो सामान्य परिस्थितियों में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग संपूर्ण होने में 9 से 10 महीने का समय लग जाता है, परंतु बीच में कोई महत्वपूर्ण ड्यूटी जैसे चुनाव ड्यूटी या कोई अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटी, यहाँ पर जूती नहीं है ड्यूटी है, इसको सुधारना अति आवश्यक मुझे यहाँ पर लग रहा है, इसलिए मैं सुधार देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है ये। अति आवश्यक ड्यूटी जो है आ जाने पर आपको ड्यूटी पर भेज दिया जाता है, जिससे ट्रेनिंग पीरियड में समय बढ़ जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता हो जाएगा, समय बढ़ जाता है। एक्चुअली मैंने गूगल माइक का यूज़ करके टाइप किया है तो थोड़ा सा एरर हो जाती है, ये बढ़ जाता है टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ड्यूटी पर आपको भेजा नहीं जाता है तो बीच में, तो आपको 9 से 10 महीने में आसानी से जो है आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है। अब पूछते हैं कि 24 घंटे में कितने घंटे का आराम मिला करेगा, तो सामान्यतः वर्किंग डेज में 9 से 10 घंटे का आपको आराम मिल जाया करेगा। संडे के दिन आपका आउट पास रहता है, 4 से 5 घंटे जो है आपको संडे के दिन जो है आपका आउट पास रहता है, मतलब आप ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं या अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद सकते हैं, जैसे हम आउट पास कहते हैं। आउट पास के दिन जो है आपको आराम के घंटे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे आलसी बच्चे वहीं पर पड़े पड़े सोना पसंद करते हैं, और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो एडवेंचरस होते हैं वो घूमना पसंद करते हैं ट्रेनिंग सेंटर के आसपास की जगहों को। तो संडे के दिन आपको आउट पास मिलता है और पूरे आराम के घंटे जो है 16 से 17 घंटे हो जाते हैं, लेकिन आउट पास जो है आपको 4 से 5 घंटे का मिलता है। 12 बजे दिन में छोड़ा जाएगा और शाम को 7 बजे वापस आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो गैरहाजिरी डल जाएगी। ट्रेनिंग में फेल हो गए तो क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। प्रत्येक पुलिस आरक्षक और महिला आरक्षक को बुनियादी प्रशिक्षण पास करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इसमें फेल हो जाने पर आप जिस विषय में या जिस स्ट्रीम में फेल हुए हैं उसका एग्ज़ाम आपको दोबारा जाकर दे सकते हैं। जैसे कि आप इंडोर एग्ज़ाम में फेल हुए तो आप पुनः पेपर देना पड़ेगा। आपको कुल 3 मौके दिए जाते हैं बुनियादी प्रशिक्षण पास करने के। सामान्यतः कोई परीक्षा में फेल तो नहीं होता है, लेकिन जो बच्चे फेल होते हैं वह पुनः एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, पुनः एग्ज़ाम नहीं पुनः एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी जो थी मोर देन सफिशियंट है, आपको जो भर्ती होने से पहले ही SB स्टूडियो के सौजन्य से मिल गई है, ये अति महत्वपूर्ण जानकारी है। प्लस ये सभी यूट्यूबर्स जो हैं कतई नहीं दे सकते, क्योंकि उनने जब ट्रेनिंग ही नहीं करी तो वो कहाँ जाने ट्रेनिंग के बारे में। हमने ट्रेनिंग करी है तो हम जानते हैं, तो इतना कुछ आपको बता पाते हैं, ठीक है। तो कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चाहिए अगर आपको ये PDF तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। आज की वीडियो से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।